मेरा नाम प्रभजोत कौर है एंड मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। और भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार वर्क किया मैंने और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वर्क करके। और फैमिली में बहुत जगह भी दिया उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में, और बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। आपने देखा ही अभी हमने केक कटिंग किया 10 मिलियन का, और मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हसबैंड मना ले, ये इसमें आपको काम करने का मौका मिला किस प्रकार मिला, उस बारे में बताइए। देखिए, मैंने इसको एक्चुअली प्लान किया था कि मुझे वर्क करना है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पर थोड़ा सा अलग टेस्ट में, राइट। और इसका करता धरता मैंने खुद किया और डायरेक्ट रंगलाल सर जी ने किए हैं। और ये प्लान मैंने किसी को मतलब खुशी देने के लिए किया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं जिनको अच्छा लगता है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्क करूँ, और उनका फेवरेट स्टार है खेसारी लाल यादव जी, तो ऑफकोर्स उनको इसलिए चुना था। और मुझे बहुत अच्छा लगा हस्बैंड बना ले इस वीडियो का। आपको पता होगा कि पहले नाम बॉयफ्रेंड बना ले था, एंड किस थोड़ा सा लाइक उनका कुछ कॉपीराइट का प्रॉब्लम हो रहा था, उसकी वजह से उनका हमने हस्बैंड बना ले नाम रखा। तो सर, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि गाना हिट हुआ है, 10 मिलियन पार कर गया है? सर नमस्कार, मेरा नाम रंगलाल निषाद। खुशी तो बहुत है सर, जो हम बता नहीं सकते। खेसारी जी से बात हुई इस बारे में? हाँ, इस बारे में बात हुई खेसारी जी से, कल भी बात हुई, और वो बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, तो आज हमारे साथ वो होते थे यहाँ पे। और इस गाने को हम लोगों ने बनाया, और मैडम जी जब पंजाब से आई और हमारे भोजपुरी में आई, तो मैंने बहुत इनकी स्वागत किया। और आप लोगों के थ्रू, आप लोगों से मिला कि हम लोग इनको इतना लाड प्यार दे देंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के फिर पंजाबी में उड़ी ना पाएँ, बैक कर ही ना पाएँ, क्योंकि हम लोग इसमें ही इनको स्टार बना देंगे, ये प्रयास चल रहा है। गाना हिट हुआ है के दौरान कुछ यादगार पल जो आपसे दोनों से जानना चाहेंगे कि कौन से पल? सर यादगार पल तो बहुत था, हम लोगों ने गाने का शूट मुंबई में रखा था, और जब हम लोग लोकेशन पे गए, होता है ना आदमी गाना सुनता है 2 सेकंड में उसको हाँ या ना का जवाब दे देता है, लेकिन जब हम लोग शूटिंग करते हैं उसको बनाते हैं, तो उस टेक्निकल मामले में अगर देखा जाए, तो जब गाने के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, तो हम खेसारी जी और हम लोग लोकेशन एक जगह जब हम लोग किया, वहाँ पर कैंसिल हुआ, वहाँ पर जा करके कैंसिल किए, और उसके दौरान हम लोगों ने फिर 50 से 60 किलोमीटर की रनिंग की है उस बारिश में, भयंकर बारिश में, और खेसारी लाल सर भी हमारा साथ दे रहे थे, और उस भयंकर बारिश में हम लोगों ने 50-60 किलोमीटर का दूरी तय करके फिर दूसरे लोकेशन में गाने को शूट किया, उसमें भी बहुत तेज़ बारिश, फिर भी हम लोगों ने गाने को कंप्लीट किए, और ये मतलब था कि मतलब इसी समय पे रिलीज होगा और इसी समय पे ये ब्लास्ट होगा। डायरेक्टर साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जो कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं हैं फिर भी इस इंडस्ट्री में आए हैं, कदम रखे हैं, लोग सराहना कर रहे हैं आपकी? देखिए, पहली बात तो इन्होंने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की, हर तरीके से किया है। पहली बार इन्हों को मिली मैं, और इन्होंने ही मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जब आई थी तो बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद मैं इनको मतलब इनसे कांटेक्ट हुआ, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैडम ऐसे प्लान करके करिए कुछ भी करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में कि नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं, तो उससे हो गया था मेरे साथ ऐसा, एक्चुअली हुआ पहले ऑलरेडी, तो इन्होंने मुझे संभाला। तो मैं इसके लिए तो एज अ डायरेक्टर नहीं बोलूँगी, एज अ फ्रेंड मेरे साथ बहुत ही अच्छे रहे ये, और बहुत हेल्प किया इन्होंने। और खेसारी जी का तो मैं मतलब कोई जवाब नहीं है उनका कि मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और उसकी जगह मैं सीरियसली बता रही हूँ, उसकी जगह कोई और स्टार होता ना, 100% वो कहता कि सॉरी मैम मैं जा रहा हूँ, जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर बुलाइएगा, बट उन्होंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। गाना हिट हो चुका है और कोई कॉल आ रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, आपकी कौन सी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है? देखिए, मैं प्रोजेक्ट को अभी एक्सपोज नहीं करूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ हो धमाके के साथ हो, और मुझे सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सरप्राइज लेना और देना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सरप्राइज देना। कितना सपोर्ट हुआ, क्योंकि आप अलग इंस्टीट्यूट में जाएं, घर पे से ऐसा कुछ? देखिए, सीरियसली बताऊँ, मेरे घर पे कभी भी आज तक किसी भी बच्चे को नहीं रोका गया है कोई भी काम करने से, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में करे, बिजनेस करे, स्टडी करे, या भोजपुरी में करे, पंजाबी में करे, उनको लैंग्वेज से हम लोग कभी ये सब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हम फैमिली में, बिकॉज मेरी फैमिली में हर कलर के, हर कल्चर के लोग हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, पंजाबी है, भोजपुरी है, सब है, ऐसा नहीं है। जानना चाहेंगे कितना डिफिकल्ट हुआ है कि आप इनको इनके चयन में, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं है जी, भोजपुरी भाषा नहीं है, किस तरह से चयन हुआ? अच्छा लगा मुझे तो, मुझे तो अच्छा लगा बहुत, मैं तो अभी तक सुनता था, जैसे कि काजल रघवानी जी हैं गुजराती, और मोना लिसा जी वगैरह, मतलब बहुत सारे अलग अलग अदर के हीरोइने हैं हमारे भोजपुरी में। हाँ, सोनालिका प्रसाद, हाँ, है, मणि भट्टाचार्य, हाँ, है, बहुत सारी अलग अलग, तो बाकी लोगों के शायद अगर कुछ हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन मुझे तो इतना अच्छा लगा इनको इसमें आने से और इस हमारे साथ काम करने से, हमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा कि मतलब ये पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, चाहे हमारे ऊपर कुछ ऐसा हो रहा है, चाहे कुछ भी, कुछ नहीं, एकदम सिंपल क्वालिटी है,
तो कैच करती हूँ हर चीज को, हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमें अच्छा लगा और आगे जाके मुझे बहुत सारा उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे। दर्शकों का आपको प्यार मिल रहा है, आपके जो चाहने वाले हैं दर्शक हैं उनसे क्या अपील करना है? उनसे यही बोलूंगी जिस तरीके से इन्होंने अभी अपने दिल में मुझे जगह दिया, ऐसे ही आशीर्वाद और सपोर्ट प्यार बना के रखें प्लीज, यही रिक्वेस्ट है। इस गाने पे ये भी? गाना बहुत मतलब लाइक सबने ये बोला कि मैम आपने छोटे चैनल पे दे दिया, बट इससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी फर्क पड़ा गाने पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा गया, अच्छा रिस्पांस मिला मुझे पब्लिक से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी और अभी भी जा रहा है सीरियसली, और मैं चाहूंगी जब 50 मिलियन 100 मिलियन हो तो दोबारा केक कटेंगे और दोबारा बुलाएंगे और दोबारा दर्शकों से मिलेंगे। गाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, थैंक यू सो मच। भोजपुरी इंडस्ट्री की और बहुत सारी खबर मैं दिखाता रहूंगा, बने रहिए न्यूज अलर्ट के साथ।